देश इस समय जहां 5G टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश का खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग अभी भी 2G और 3G तकनीक वाली मशीनों के सहारे काम कर रहा है। इन मशीनों के कारण उपभोक्ताओं को आए दिन राशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने बताया कि जब वे राशन लेने जाते हैं तो अधिकतर समय मशीन की खराबी और सर्वर डाउन के कारण राशन नहीं मिल पाता। ऐसे में कई चक्कर काटने के बाद फिर कहीं जाकर उन्हें राशन मिलता है। उपभोक्ताओं ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि इन मशीनों को बदलकर आधुनिक मशीनें लगाई जाएं। यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो फिर पुरानी पद्धति से ही राशन का वितरण किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना झेलनी पड़े। हम ऐसा कर चाहते हैं भाई, मशीन बदली जाए अगर नहीं ठीक चल रही है तो, या सारा आधा आधा दिन बैठना पड़ता है यहाँ पे और अंगूठा नहीं लगता हमारा, फिर ऐसे ही जाना पड़ता है दूसरे दिन आओ जी। सर्वर डाउन है, चल नहीं रही है और बहुत पुरानी मशीन है, इनको चेंज किया जाए। जब भी आते हैं मतलब चलती ही नहीं है, बस अंगूठा लगना नहीं है, फिर घर जाना पड़ता है वापस ऑटो करना, फिर आना जाना, फिर दूसरे दिन फिर से आना, फिर कई बार दूसरी बार दूसरे दिन भी नहीं लगना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिपो होल्डर्स सही बंदे हैं, मगर यहाँ पर ये मशीन है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, ये बार बार ख़राब होती है और फिर लाइन में खड़ना पड़ता है बड़ी बड़ी देर तक, दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं, तो ये चेंज किया जाए। मशीनों की है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, हम लोगों को मशीनों की है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी डीलिंग अच्छी है। मंडी जिला की बात करें तो यहां 842 उचित मूल्य की दुकानें हैं। 815 दुकानों पर 2G और 3G तकनीकी की मशीनें हैं, जबकि 27 दुकानों पर ही 4G तकनीकी की मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक विजय हमलाल ने बताया कि मशीनों में आए दिन खराबी आती है, लेकिन इसके समाधान के लिए हर जिला और प्रदेश स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिक्कत आधार सर्वर से होती है, क्योंकि वहां ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण यह समस्या अधिक पेश आती है। जो भी प्रॉब्लम कोई आती है फेरफार शॉप होल्डर को इमीडिएटली हमें व्हाट्सएप करता है, तो हम उसे अपने प्रदेश के स्तर पर इन मुद्दों को उठाते हैं तो इमीडिएटली उसका समाधान किया जाता है। हाँ, इसमें बहुत बार ये देखने में आया है कि आधार सर्वर पे हमारा जो भी डाटा फैच होता है वो सेंट्रल रिपोजिटरी से और आधार से हमारी उसमें ई पॉस में हमारे सर्वर पे आता है, और इस वजह से इसमें ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, तो इसमें फेयरपार्ट शॉप में कई बार ज़्यादा अगर रश हो तो सर्वर ना चले तो उपभोक्ताओं को परेशानी इसमें आती है। प्रदेश के गांव-गांव तक 4G तकनीक पहुंच चुकी है और 5G तकनीक को पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। 5G तकनीक वाली मशीन जिस तेज गति से काम कर सकती है, वैसी उम्मीद 2G या 3G से नहीं की जा सकती। इस बात को सरकार को समझना होगा और उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए नई तकनीक को अपनाना होगा। डीडी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।